सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल। आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि हमारी फाउंडरशिप पूरी तरीके से और परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के लिए एक मौका है जो पेंडिंग फाउंडर में है, अपने बैक ऑफिस में जाएं और वहां जाकर चेक करें कि आपके पेंडिंग फाउंडर्स कौन कौन से हैं। उनको आप एक बार ईमेल करें और उनको कॉल भी करें। चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो ऑन पैसे जो पिछले 4 साल से बहुत ही कठिन परिश्रम से आज गुजर करके एक बहुत ही अच्छे फेज में आ चुकी है, वो अपने नेक्स्ट फेज में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज आपको पता ही होगा कि हमें जिस चीज का इंतजार है वो हमारा नेक्स्ट फेज होने वाला है। अभी 360 वेबिनार के अंदर बहुत सारी बातें हुई, पूरा का पूरा एक घंटे से ऊपर का पूरा सेशन चला, वेबिनार हुआ, उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें एस सर ने वहां पर डिस्कशन की। सबसे अच्छी चीज मुझे वहां पर लगी एस सर की, जो उन्होंने बताया था कि जिसको पूरी तरीके से बिलीव है वो ही ऑन पैसिव के अंदर आए, और जिसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है या 1% भी डाउट है वो ऑन पैसिव में बिल्कुल भी ना आए। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि यहां पर जो भी काम किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से एथिकल तरीके से किए जा रहे हैं, लीगल तरीके से किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या जितने भी नियम्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कोई भी कंपनी जब चलती है तो उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन उस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब जिस चीज का हम सब लोगों को इंतजार है वो चीज एस सर ने अपने बातों बातों में संकेत जरूर दिया है कि इसी साल 2022 में ही पूरा का पूरा श्री गणेश कर देना है। जी हाँ, इसी साल 2022 में ही पूरा का पूरा कार्यक्रम फिनिश कर देना है, यानी कि कंपनी की जो लॉन्चिंग प्रोसेस है वो 2022 में ही रिलीज होने की, 2022 में ही कंपनी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी एस सर कर रहे हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, इसी चीज का हम सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इसी साल हमारी जो पिक्चर है, जो पिछले 4 साल से इसकी स्क्रिप्ट लोग रच रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट लोग लिख रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी शूटिंग हो रही है पूरे पिछले 4 साल से, वो इस साल 2022 में पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से इस तरह की तैयारी की जा रही है कि 2022 में ये पिक्चर पूरी तरीके से रिलीज हो जाए। और जब ये पिक्चर रिलीज होगी तभी जो खुशी अभी जिन लोगों को हो रही है फाउंडरशिप क्लोज होने की, जी हाँ, कंपनी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी चीज शुरू होती है तो हमें खुशी होती है, यहां पे कोई भी चीज बंद हुई है तब हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। यानी कि एक देखिए, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है ये, कोई भी चीज बंद हुई है यानी कि फाउंडरशिप हमारी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है, किसी को भी फाउंडर बनने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अब जो पेंडिंग फाउंडर है उन्हीं के पास एक, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मौका है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, अपना टॉप अप नहीं कराया तो अपने टॉप अप करा सकते हैं। अब यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी काम जब बंद हुआ है, जी हाँ, जब भी कोई भी काम बंद हुआ है तब लोग पटाखे चला रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एस सर को भी बहुत ज्यादा ये देख करके अंदर से फीलिंग आ रही है कि वाओ, इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अब उससे भी ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब 2022 के अंदर कंपनी पूरी तरीके से लॉन्चिंग हो जाएगी। जी हाँ, कंपनी पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें हैं जो आज रेडी हो चुकी हैं। बातों बातों में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और नेक्स्ट फेज में हम आ चुके हैं। जो नेक्स्ट फेज जो होने वाला है कंपनी का वो है सेल्स का। जी हाँ, नेक्स्ट फेज जो होने वाला है वो है सेल्स का पूरा जो ध्यान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कस्टमर के ऊपर। हमारा जो ट्रैफिक, जिस ट्रैफिक के माध्यम से हम सब लोगों को रेवेन्यू आने वाला है, अब कंपनी उस पर अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा रही है। क्योंकि जब जितनी जल्दी कंपनी रिलीज हो जाती है, जितनी जल्दी कंपनी लॉन्च हो जाती है, उतना ही जल्दी हम सब लोगों को जो भी बोनसेस हैं या जो कुछ भी हमारा फायदा होने वाला है, जो कुछ भी बेनिफिट्स होने वाले हैं फाउंडर्स के लिए, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगला जो फेज है वो है कस्टमर का। हम सब लोगों को पता है कि 500 करोड़ से ज्यादा यूजर इस दुनिया के अंदर हैं, जो इंटरनेट के यूजर्स हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब उनके पास हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जिनको यूज करना उनकी
मजबूरी होगी उनको यूज करना, उनके फायदेमंद में भी होगा, उनको यूज करना बहुत ज्यादा इजी होगा, तो वो हमारे प्रोडक्ट 100% यूज करेंगे और इसी 100% यूजर से ही हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा, कंपनी का बहुत बड़ा फायदा होगा और कंपनी के फायदे में ही हमारा फायदा है। तो यहां से अगला जो फेज शुरू हुआ है वो है सेल्स का, कस्टमर का। अब जितने भी लोग फाउंडर नहीं बन पाए डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, अब वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी उनके लिए कुछ और बेनिफिट्स दे, किसी भी और तरीके से बेनिफिट्स दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो लोग फाउंडर्स नहीं बन पाए, अब ये बिल्कुल 100% तय है कि वो लोग अब यहां पर एज ए कस्टमर बनके हमारे आने वाले हैं। जी हां, एज ए कस्टमर बनके आने वाले हैं और रीसेलर बनके आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको रीसेल करने के लिए भी हमें कस्टमर की यानी कि लोगों की जरूरत होती है। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा जरूर देंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि अमेजन पर बहुत सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन वहां पर एक एफिलिएट प्रोग्राम भी चलाया जाता है जिससे कि एक आम इंसान भी उस अमेजन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वहां से बहुत सारा पैसा कमाता है, एफिलिएट का इस्तेमाल करके। तो बिल्कुल ऐसे ही आने वाले टाइम में अपने ऑन पैसे के पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिसमें जो आम जनता है हमारे आसपास जो रहती है, जिसको इंटरनेट की जानकारी है, जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, वो इस ऑन पैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी उस टेक्नोलॉजी का यूज करके पैसा कमा पाएगा। तो जो लोग फाउंडर्स नहीं बन पाए हैं उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, बट जो लोग फाउंडर्स बन गए हैं वो इस दुनिया के और इस इंडिया के और जिस कंट्री के भी आप जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के सबसे ज्यादा लकी पर्सन है, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम लोग हैं जो फाउंडर बने हैं। आप खुद देखिए कि 200 कंट्री से कितने लोग फाउंडर बने हैं, मात्र 14,55,000 प्लस फाउंडर बने हैं। तो उस अगर 14,55,000 की अगर पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकालें कि पूरी आबादी कितनी है इसकी, पूरी इंडिया पूरी दुनिया की आबादी 200 कंट्री की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो मुश्किल से ये 1% भी नहीं है। तो यहां पर बहुत ही लकी पर्सन है और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हम यहाँ पे हैं। तो यहां पे आपको अब बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपने सोच के रखा हुआ, वो आपके 2022 के अंदर बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 2022 में ही कंपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है किस चीज की, अपने आप को लॉन्च करने की, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की और बहुत बड़ा ट्रैफिक जनरेट करने की, कि किस तरीके से यहां पर ट्रैफिक आने वाला है। तो अगले साल नहीं बल्कि इसी 2022 में ही यहां पर पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से फिनिश होने वाला है। पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो 2022 में ही रिलीज होने वाली है। बस यही है हमारा नेक्स्ट फेज, क्योंकि अब कंपनी का पूरा फोकस, हम सब लोगों का पूरा फोकस फाउंडर को ज्वाइन करने के लिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए वहां से पूरी तरीके से हट चुका है। अब बस यही एक फेस रह गया है जिसमें कंपनी को अब आगे बढ़ते जाना है। तो कंपनी की 360 वेबिनार्स के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने एस सर ने हम सब लोगों को बताया था कि जो भी काम होगा यहाँ पे बिल्कुल एथिकल तरीके से हो रहा है और आने वाले टाइम में होता रहेगा, और इसको एक ऐसे सिस्टम की तरफ लेके जाया जा रहा है जहां पर जाने के बाद ये कभी भी वहां से वापस ना आए, और जो भी इसके अंदर काम डाला जाएगा या जो भी प्रोग्रामिंग इसके अंदर डाली जाएगी वो ऑटो मोड में हमेशा चलती रहे। क्यों? क्योंकि उसी के बाद हम सब लोगों के पास एक पैसिव इनकम डे बाय डे और जनरेशन टू जनरेशन जनरेट होने वाली है। तो इसीलिए यहां पर बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग सेट की जा रही है, बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स लेके आए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आने वाले टाइम के अंदर जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके पीछे भी हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई हानि कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो कंपनी इसका भी ध्यान रखती है, इसमें भी वक्त लगता है, इसलिए आज जो 4 साल पूरे हुए हैं वाकई में ये जो 4 साल हैं ये 4 साल एक बड़े काम की तरफ, एक बड़े मिशन की तरफ हम सब लोगों को लेके जा रहे हैं। ये कोई एक ऐसी कंपनी नहीं बनी है जिसके लिए हमें एक छोटा मोटा सा कोई भी एक हमने ड्रीम देख लिया हो या कुछ भी देख लिया हो कि हमें ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक मिशन, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक इस दुनिया को बदलने की पूरी तरीके से तैयारी इस ऑन पैसिव ने की है कि हमें इस दुनिया को पूरी तरीके से किस तरीके से चेंज करना है। तो ये 2022 के अंदर ये सारी चीजें
यहाँ पे खत्म होने वाली है। 2022 के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलने वाली है। अब जो भी अपडेट्स आपको मिलने वाली है वो आपको हर पल हर घड़ी आपको कोई ना कोई एक खुशी जरूर देने वाली है। तो बस आपको इंतजार नहीं, आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए। जितने भी लोग आज टेंशन में हैं कि मैं क्या मैंने एक डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। जी हाँ, मैंने भी जब इसमें फाउंडरशिप ली थी तो मैंने भी सोचा था कि हाँ क्या हो सकता है इसके अंदर या किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन आपकी लाइफ का, हम सबकी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन रहा है। और जिस तरीके से फाउंडरशिप की क्लोजिंग हुई है, उस फाउंडरशिप की क्लोजिंग ने लोगों के बहुत सारे ऐसे जो सवाल थे, जो लोग कह रहे थे कि फाउंडरशिप कभी क्लोज नहीं होगी, ये फाउंडरशिप की डेट आगे बढ़ाते रहेंगे और ये पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसा लूट करके ये भाग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जो लोगों के सवाल थे, अब उनके सवाल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फाउंडरशिप परमानेंटली क्लोज कर दी गई है कंपनी की तरफ से, अब वो एक भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में बहुत सारे जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी के पास आगे की प्रोसेस होगी, हम सब लोगों के पास रेवेन्यू आएगा और कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में उतरेंगे, कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, तो धीरे धीरे करके सारे सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। बहुत सारे सपने हैं लोगों के जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की आशाएं हैं, बहुत सारे लोगों की विश्वास हैं, बहुत सारे यकीन हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है कि ऑन पैसिव के आने के बाद हम यहां से बहुत कुछ करने वाले हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी और अपने सोसाइटी यानी समाज के लिए भी। तो बहुत कुछ करने वाले हैं, तो बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा। बस अब हमको बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट सही तरीके से बांध लेनी है। अब शुरू हो चुकी है हमारी एक नई जर्नी, हमारा एक नया फेस। ओके, तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि बस आप इसके अंदर आ गए हैं तो 100% आप अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। क्योंकि हमारे ऑन पैसिव का स्लोगन ही है, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना। और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हम, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।